वायरस वायरस, आखिर क्या है ये वायरस? क्यों किसानों की समस्या इसने बढ़ा रखी है? क्यों फसलें बर्बाद हो रही है? क्या है यो? मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फार्म विद मार्केट में। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे वायरस के ऊपर। ये आपदा किस कारण से है? अगर ये आ जाए तो इसकी रोकथाम क्या है और इसको पहचाने कैसे? तो किसान भाइयों, ये वीडियो पूरी कंप्लीट वायरस के ऊपर निर्धारित है और वीडियो पर लगातार बने रहे, स्किप ना करें। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो एंड तक देखें। तो मैं आपको बताता हूँ वायरस है क्या। वायरस एक डिजीज है जो कि मिर्ची में, शिमला मिर्च में और पपीता में सबसे ज़्यादा देखी गई है और इसके कारण से बहुत सी फसलें खराब हो जाती है। साइड से हवा आएगी तो स्टार्टिंग में जो पौधा होता है वहाँ उसको इफेक्ट करता है, एक पौधे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कंप्लीट पूरे प्लाट को ये वायरस ग्रस्त कर देता है। तो किसान भाइयों, वायरस आता क्यों ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरा बिंदु आता है कि इसको पहचाने कैसे। तो किसान भाइयों, ये दो तरह के होते हैं, एक तो माइट होता है और एक वायरस होता है। अक्सर किसान भ्रमित हो जाता है कि ये वायरस है या माइट है, तो उसको पहचाने कैसे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको पहचाने कैसे। चलो हम एक पौधे पे जाते हैं। ये पौधा है, जैसे कि अगर ये माइट हुआ तो ये जो पत्तियां है ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, तो वो माइट है, वायरस नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ गई पत्ती इनमें, तो वो वायरस है और इस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा और ऊपर पत्तियां मुड़ जाएगी, ये वायरस है। किसान भाइयों, अब दूसरे बिंदु पाते हैं कि ये फैलता किस कारण से है। तो किसान भाइयों, ये कीटों के द्वारा फैलता है, एफिड है, जैसिड है और वाइट फ्लाई, इसी के कारण मुख्यतः ये फैलता है। तो किसान भाइयों, इनमें से सबसे ज़्यादा ये वाइट फ्लाई के कारण फैलता है। वाइट फ्लाई से कैसे फैलता है? ये जब वाइट फ्लाई एक पौधे पर बैठती है तो उसको पहले थ्रिप्स ग्रसित कर देती है। तो कोई वायरस अलग से कोई नहीं होता है, ना कोई इस पर कोई कीट आकर बैठता है, कोई वायरस का कीट अलग से बैठ गया, ये थ्रिप्स से ही वायरस बनता है। वाइट फ्लाई आई, उस पर थ्रिप्स बन गई, धीरे धीरे वो वायरस में कन्वर्ट हो जाएगी और पौधा खराब हो जाएगा। ऐसे ही वो फिर वहाँ से रस चूसेगी, दूसरे पौधे पर बैठ जाएगी, ऐसे ही वो दूसरों को इफेक्ट करती चली जाएगी और पूरा प्लाट हमारा खराब हो जाएगा। तो बताता हूँ इसकी रोकथाम कैसे करें। जिस साइड से हवा आ रही है उस साइड हमें नेट साइड लगा देना है, ताकि जो हवा है वो अंदर ना आ सके और हमारा वायरस है वो फैले ना। अगर आपके पास बजट है तो आप चारों साइड से नेट साइड लगा सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर वायरस प्लॉट में अगर स्टार्ट हुआ है, सपोज करो 1000 पौधे हैं, अगर 2-3 पौधों में अगर वायरस है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें? उसको हम ऐसे उखाड़ लेंगे, उखाड़ने के बाद उसको पॉलीथीन में डाल के और दूर फेंकाएंगे, ऐसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो स्टार्टिंग हुई है तो। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको हम जब इसको शिफ्ट करते हैं, जो प्लॉट को लगाते हैं, स्टार्टिंग प्लांटेशन करते हैं, उसी समय हमें उसको इंसेक्ट से बचाना चाहिए और पौधों को ऊपर से और नीचे से कंप्लीट डोज देते रहने हैं। नीचे से फर्टिगेशन टाइम से टाइम शेड्यूल और ऊपर से स्प्रे का शेड्यूल रखना है। सपोज करो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का, फ्लाई व्हाइट फ्लाई आ गई तो उसकी स्प्रे करना है, या दूसरे कोई कीट बैठ रहे हैं तो उसकी स्प्रे करना है। इससे किसान भाई, अब बताते हैं इसको हम केमिकल से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम केमिकल से सोलोमोन स्पिनोसाइड को डाल के हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, लास्ट में सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ वायरस से बचने के लिए, हमें इसको बेड पे लगाना है। बेड पे लगाने के बाद इसको टनल से ढक देना है, जिससे कि हमारा वायरस अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा, जो हमारे कीट है वो अंदर जाएंगे नहीं और थ्रिप्स नहीं होगी और थ्रिप्स से वायरस नहीं बनेगा। सबसे अच्छा इलाज यह है इसका। तो किसान भाइयों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।